अभी तक वी टॉट यू डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग वर्डप्रेस। भाई आप एक क्लासिफाइड साइट बना सकते हैं, आप एक जॉब बोर्ड बना सकते हैं, आप इतनी बेतहाशा चीज़ें और कर सकते हैं। और हमने आपको बताया कि तीन पाथवेज हैं टू सक्सेस। वो पाथवेज क्या हैं? एंटरप्रेन्योर, आप क्या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? आपने डिसाइड करना है, आपने देखना है। सेकेंड वन इज फ्रीलांसिंग। भाई अगर आप चाहें तो यू कैन मेक अ क्विक बक बाई सेलिंग योर सर्विसेज ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, एंड वो सर्विसेज आप तभी सेल कर सकेंगे इफ़ यू बिकम अ वर्डप्रेस एक्सपर्ट। थर्ड वन इज अ स्मार्ट वर्कर। स्मार्ट वर्कर कौन होता है? जो किसी और के लिए काम करता है बट इन अ स्मार्ट वे एंड अर्न्स गुड मनी। और ये तीनों ऑप्शंस हर किसी के लिए हैं। आप अपने फेज ऑफ लाइफ में हो सकता है ये तीन ऑप्शन से डिफरेंट टाइम पे गुजरें। कभी आप हो सकता है एक एंटरप्रेन्योर बने, कभी हो सकता है एक फ्रीलांसर बने। मैं आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैव बीन ऑल थ्री इन माई लाइफ सो फार, एंड आई कीप स्विचिंग इन रोल्स इन बिटवीन थैंक्स टू द वर्डप्रेस स्किल्स दैट आई हैव लर्न। वही वर्डप्रेस स्किल्स जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस पूरे कोर्स में मैंने एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, बिकॉज ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद सीखी हैं, जो मैंने खुद प्रैक्टिस करके मेहनत करके आपको सिखाने की कोशिश की है। ये जो हमारा एक जर्नी है वर्डप्रेस का, दिस इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड दिस इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ लर्निंग। आप यहाँ पे खाली अकेले रह के नहीं सीख सकते अनलेस आप और लोगों से मिलें, आप मुझसे मिलें, आप मुझसे बात करें। बट साथ ही साथ हमारे डीजी स्किल्स के जो और इतने ज़्यादा कोर्सेज हैं, इतने ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स हैं, हमारा जो LMS है, उस पे प्लीज़ हमसे इंटरेक्ट करना ना भूलिएगा। गेटिंग बैक टू बिजनेस, दिस टॉपिक इज अबाउट टेलिंग यू द एडवांस टेक्निक्स ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रैवल वेबसाइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वर्डप्रेस यू नो इज अ CMS, लोग हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, प्लगइन्स हैं, हर तरह के पर्पज़ के लिए लोग इसे यूज़ करते हैं। तो भाई अगर हर तरह के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो वाई डोंट वी यूज़ इट एज अ ट्रैवल वेबसाइट। और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा विच वुड रियली रियली मेक यू इंटरेस्टेड कि कैसे वर्डप्रेस यूज़ हो रहा है टू डू डिफरेंट थिंग्स इन ट्रैवल। पाकिस्तान is blessed with an amazing landscape. हर जगह आप जाते हैं तो पाकिस्तान की ब्यूटी के चर्चे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बट दे आर नोन वर्ल्ड वाइड एज वेल। बाहर से लोग ट्रैवलर्स व्लॉगर्स आते हैं पाकिस्तान ट्रैवल करने, हमारी ब्यूटी को देखने। बट इजंट इट सैड कि देर इज़ नॉट अ सिंगल वेबसाइट, लेट मी रिपीट दैट, देर इज़ नॉट अ सिंगल वेबसाइट लोकली जो पाकिस्तान की ब्यूटी को कैप्चर करती है। हाँ, डिफरेंट छोटे छोटे ब्लॉग्स हैं बट देर इज़ नो वेबसाइट। जो विकिपीडिया वेबसाइट है वो ऑब्वियसली इज़ नॉट पाकिस्तानी, विकिपीडिया पे कुछ पेजेस बने हुए हैं। आई वॉन्ट टू गिव यू दिस चैलेंज, मैं चाहता हूँ आप में से कोई बंदा उठे और एक पाकिस्तान की ऐसी वेबसाइट बनाए जो कि पाकिस्तान को कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दे इन द ट्रैवल इंडस्ट्री। इसी तरह मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ एक वर्डप्रेस सुपर हीरो से, जो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, जिनका नाम है अनम, अनम हकीम। अनम ने ये वेबसाइट बनाई जिसका नाम है गर्ल विद ग्रीन पासपोर्ट। अनम इज़ वेरी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी एंड अनम वांटेड कि वो दुनिया के हर शहर और हर कंट्री ट्रैवल करें। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को एक वर्डप्रेस की वेबसाइट में डाला और अब उस वेबसाइट से वो दूसरे लोगों को सिखाती हैं कि कैसे वो ट्रैवल कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एंड अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ ट्रैवल वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड विद वर्डप्रेस। चैलेंज तो मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि मैं चाहता हूँ आप में से कोई उठे और इस तरह की एक वेबसाइट बनाए। एक और एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहता हूँ, दैट इज अ साइट कॉल्ड हंगरिस्ट। हंगरिस्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ मैंगोबास, hungrist.com के नाम से ये है। और ये मैंगोबास का एक प्रोजेक्ट है जो कि आपको डिफरेंट जगह खाने की जो चीज़ें हैं उनके बारे में दिखाएगा। इट्स ऑल्सो ट्रैवल वेबसाइट दैट्स मेड इन वर्डप्रेस। तो द रिक्वेस्ट इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, चाहे आप लाहौर बैठे हैं, सियालकोट बैठे हैं, चाहे आप क्वेटा बैठे हैं, गिलगित हों, कराची हों, हैदराबाद हों, भाई आप जिधर भी बैठे हैं प्लीज़ उठें और एक साइट प्रोजेक्ट के तौर पे एक साइट बनाएं जो कि आपके शहर के बारे में हो। व्हाई इज़ इट द बेस्ट टाइम टू क्रिएट सच अ साइट इज़ बिकॉज साइंस सेज
पीपल ट्रैवल एक्सपीरियंस इज मोर देन थिंग्स, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना चाह रहे हैं और जगहों को विजिट करना चाह रहे हैं. वॉट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड ट्रैवल वेबसाइट? भाई उसमें एक अच्छी स्टोरी टेलिंग का पार्ट होना चाहिए जिस तरह अनम की वेबसाइट में था. पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट होने चाहिए जिस तरह हंगरेस्ट में है, मैं आपको दिखाऊंगा. बुकिंग की फीचर होनी चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट की ऑप्शन होनी चाहिए, कुछ नया और डिफरेंट होना चाहिए. एंड हाउ यू कैन मेक मनी इज बाय एफिलिएट कमीशंस. आप लोगों की चीज़ों को सेल करेंगे तो यू कैन मेक मनी. यू कैन मेक मनी बाय सेलिंग एड्स, यू कैन मेक मनी बाय बुकिंग. तो आप कैसे बनाएंगे इस तरह की साइट? आप एक थीम ढूंढेंगे जो कि ट्रैवल थीम हो, या आप एक प्लगइन ढूंढेंगे जो कि एक ट्रैवल प्लगइन होगा. और हमारी रिकमेंडेशन इसके लिए एक प्लगइन है जिसका नाम है WP Travel. सो नाउ वील गो लाइव एंड वी विल सी के हंगरेस्ट और अनम की जो वेबसाइट है वो कैसे उन्होंने पावर की हुई बाय वर्डप्रेस. एक और प्लगइन भी इसके साथ है जिसका नाम है सुपर POI सिस्टम. POI स्टैंड्स फॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो ये दो प्लगइन्स हैं, हम जाते हैं लाइव और हम टेस्ट करते हैं ये साइट्स कि कैसे इन्होंने वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए अपनी साइट्स को इतना पावरफुल बनाया. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ लाइव एग्जांपल ऑफ टू ऑफ दिस साइट्स, जिनमें से एक का नाम है हंगरेस्ट. सो हंगरेस्ट इज एक्चुअली पावर्ड बाय वर्डप्रेस. इट्स अ फूड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो इस वेबसाइट को आप जाके डिटेल में देख सकते हैं कि कैसे वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए इन्होंने इस साइट को डेवलप किया है. बट माई फेवरेट वेबसाइट इज गर्ल विद अ ग्रीन पासपोर्ट, जो कि अनम की है. एंड अनम इज समन हु लव्स टू ट्रैवल. सो अनम ने अपनी एक साइट बनाई है जिसमें उन्होंने अपनी फोटोज दिखाई हुई है, उन्होंने अपनी स्टोरी दिखाई हुई है और जिधर जिधर उन्होंने दुनिया में ट्रैवल किया है उसके बारे में बताया हुआ है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साथ ही साथ अनम ने ये बताया हुआ है कि आप दुनिया के डिफरेंट ममालिक को विजिट करने के लिए कैसे वीज़ा ले सकते हैं बड़े आराम से. सो यू कैन सी हाउ शी हैज़ क्रिएटेड अ वेबसाइट दैट इज़ ऑल्सो अबाउट हर, बट एट द सेम टाइम दिस वेबसाइट इज़ अबाउट हेल्पिंग पीपल. सो ये इनकी वेबसाइट है, इट सेज़ वेलकम टू गर्ल विद अ ग्रीन पासपोर्ट. और इसमें साथ ही साथ देर आर ऑप्शंस जिसमें आप उनके ट्रैवल के बारे में पढ़ सकते हैं और उनके रिसेंट ब्लॉग्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं. गाइड है अबाउट ट्रैवलिंग द वर्ल्ड और उनकी इंस्टाग्राम की कुछ पिक्चर्स हैं. प्लीज़ इसको जाके थोड़ा स्टडी कीजिएगा, देखिएगा. और साथ ही साथ एक प्लगइन WP Travel के नाम से इस प्लगइन को एक्सप्लोर कीजिएगा. ये प्लगइन वो प्लगइन है जो आपको अलाउ करेगा एक ट्रैवल फीचर अपनी वेबसाइट में ऐड करने के लिए. इस ट्रैवल फीचर को ऐड करके आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव बना सकते हैं. यू कैन अट्रैक्ट मोर ऑडियंस, यू कैन गेट मोर ट्रैफिक. व्हेन यू गेट मोर ट्रैफिक यू विल मेक मोर मनी. इट्स ऑल अबाउट गेटिंग यूजर्स ऑन योर साइट. इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द राइट यूजर्स हु विल स्टिक विद यू ऑन योर वेबसाइट. सो ट्रैवल करते रहें, दूसरे लोगों को इंस्पायर करें, स्टोरी शेयर करें. अगर कहीं आप फिरने जाते हैं, घूमने जाते हैं, फोटोज लें, अपने ब्लॉग पे लगाएं, ताकि आप एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकें विच कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंट्री. पाकिस्तान में लास्ट ईयर 1 million टूरिस्ट केम ऑल द वे फ्रॉम अब्रॉड. इस साल ये 10 million हो सकता है अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करें. अगर आप ऐसी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएं जो कि इंस्पायर करे बाहर से फॉरेनर्स को पाकिस्तान में आने के लिए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए. सो लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स लर्न टुगेदर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेट्स ट्रैवल टुगेदर एंड लेट्स मेक वर्डप्रेस वेबसाइट टुगेदर विच इज़ अबाउट ट्रैवल.